एक व्यूअर ने पूछा है कि एट द इंसिस्टेंस क्या है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। एट द इंसिस्टेंस का मतलब होता है कि जिद पर या के आग्रह पर। जैसे कई बार आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां आप कहते हैं के जिद पर, जैसे मैं अपनी पापा के जिद पर आर्मी ज्वाइन किया, मैं अपनी टीचर के आग्रह पर एक नया किताब खरीदा, मैं अपने बॉस के जिद पर नाइट ड्यूटी किया, उस्ताद के आग्रह पर बच्चे क्लासरूम को साफ किए। तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं के आग्रह पर या के जिद पर को बोलने के लिए आप कहेंगे एट द इंसिस्टेंस ऑफ। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने अपने पापा के जिद पर आर्मी ज्वाइन किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I joined army at the insistence of my father। यानी मैं अपने पापा के जिद पर आर्मी ज्वाइन किया। अगर आप चाहें तो एट द इंसिस्टेंस का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कॉमा देना होगा। यानी आप कह सकते हैं एट द इंसिस्टेंस ऑफ माई फादर आई ज्वाइंड आर्मी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में मैंने एट द इंसिस्टेंस का इस्तेमाल शुरू में किया है, लेकिन उसके बाद मैंने कॉमा दिया है। अगर आपको कहना हो बॉस के जिद पर वह नाइट ड्यूटी करता है या बॉस के आग्रह पर वह नाइट ड्यूटी करता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही डज नाइट ड्यूटी एट द इंसिस्टेंस ऑफ हिज बॉस। यानी अपने बॉस के जिद पर वह नाइट ड्यूटी करता है। मैंने अपने उस्ताद के जिद पर एक नया किताब खरीदा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई बॉट अ न्यू बुक एट द इंसिस्टेंस ऑफ माई टीचर। अगर आपको कहना हो बच्चों की जिद पर मैंने एक नया लैपटॉप लिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई बॉट अ न्यू लैपटॉप एट द इंसिस्टेंस ऑफ माई चिल्ड्रेन। यानी अपने बच्चों की जिद पर या अपनी बच्चों के आग्रह पर मैंने एक नया लैपटॉप लिया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया कि एट द इंसिस्टेंस ऑफ का इस्तेमाल अब तब करेंगे जब आपको कहना हो कि जिद पर या के आग्रह पर। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।